हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एसबी सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल शिवा साइंस क्लासेज में। तो दोस्तों, आज का जो आपका पार्ट है वो पार्ट नंबर 6 है और इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब या उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण किस प्रकार करते हैं, इन सारी बातों को हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको एक ट्रिक बता दें कि उत्तल, देखो आपको क्या पता है, अवतल दर्पण में आपको पता है कि प्रतिबिंब 6 जगह पर बनते थे। पहला अनंत पर, दूसरा कहाँ बनता था, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तीसरा वक्रता केंद्र पर, चौथा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, और पांचवा फोकस पर, और छठवां ध्रुव और फोकस के बीच में 6 जगह पर प्रतिबिंब बन रहा था। तो 5 कंडीशन में तो प्रतिबिंब आपका दर्पण के सामने बन रहा था, वास्तविक एवं उल्टा बन रहा था, क्लियर है। और छठवें में क्या था, छठवें में ये था कि जब कोई वस्तु आपका फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में होगा, मतलब कि इधर से अगर देखेंगे फोकस और इसके बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में होगा, तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, जी आपको पता हो गया था। तो आज हम सीखने वाले हैं कि उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर में आप किस प्रकार वस्तु निर्माण करेंगे, प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे, वो बातें सीखते हैं। देखो इसकी एक हमने ट्रिक लिख रखी है कि लिखा है कि उत्तल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब की स्थिति के सिर्फ 2 स्थान है, सिर्फ कितने हैं, सॉरी यहाँ पर लिखना भूल गए, 2 स्थान है। पहला कहाँ पर, यदि या तो वस्तु कहाँ रख सकते हैं, या तो हम अनंत पर रख सकते हैं, इन्फिनाइट होता है, अनंत बोलते हैं इसको, या तो हम अनंत पर रख सकते हैं, अनंत पर, और या फिर हम पोल और अनंत के बीच में रख सकते हैं, क्लियर हो रहा है। तो देखो जब हम अनंत पर रखेंगे तो आपको यहां पर प्रतिबिंब कहां बनेगा, 1 नंबर पे बनेगा, कहां पर, फोकस पर। वो कैसे बनेगा अभी हम सीखने वाले, पहले ये समझ लो, 2 ही जगह, सर सिर्फ 2 जगह, वहां पर क्या था, अवतल दर्पण में 6 जगह, लेकिन यहां पर सिर्फ आपको 2 जगह पढ़ना है, और अनंत पर और पोल और अनंत के बीच में 2 जगह ही वस्तुएं आपकी रखी जाएगी। वस्तु दर्पण के सामने रखी जाती है तो आपका यहां रखा जाएगा, प्रतिबिंब आपका इधर बनेगा, ये यहां पर प्रतिबिंब बनेगा और यहां पर वस्तुएं रखी जाएंगी। तो पहला अनंत पर और दूसरा आपका है पोल और अनंत के बीच में, 2 बातें क्लियर हो गई। अब चलिए इधर हम सीखते हैं, तो आपको इतना पता हो गया, क्योंकि देखो आपको अच्छे से अगर पढ़ना है तो खुद पर विश्वास होना चाहिए, विश्वास अगर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होती है। देखो विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि आपको अगर कोई हिट करने वाला ना हो, बताने वाला ना हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जब 2-3 लोग आपको हिट करने आ जाते हैं ना, यार ये तो हम कर रहे थे, ये तो आप नहीं कर पाओगे बहुत, तो आप सोच लेते हो कि जब ये नहीं कर पाए तो हम भी नहीं कर पाएंगे, और आप स्लो हो जाते हो। तो हमारे कहने का मतलब, आपको एक स्टोरी सुनाते हैं। एक बार एक गांव में 2 छोटे छोटे बच्चे रहते थे, और वो दोनों बच्चे एक बार गांव से खेलते खेलते थोड़ी दूर निकल गए, और वहां पे हुआ क्या कि वो जो बड़ा वाला बच्चा था, एक 8 से 10 साल का बच्चा था, और एक छोटा था 6 से 7 साल का बच्चा था, दोनों घूमने निकल गए गांव से बाहर। और वहां पर क्या हुआ, वहां पर एक कुआं था और वो पतंग उड़ा रहे थे, तो उड़ाते उड़ाते ऐसे जैसे किया ना, वो पीछे पैर पड़ गया और कुएं में चला गया। तो उसके साथ जो बड़ा वाला था कुएं में गिर गया। अब जो छोटा वाला था उसका दिमाग नहीं काम कर रहा था कि यार अब कैसे निकाले इसको, क्या करें। तो फिर वहां पर क्या हुआ, फिर जब क्योंकि उसे कोई बताने वाला नहीं था, और फिर उसने देखी कि एक बाल्टी पड़ी हुई है और बाल्टी से रस्सी बंधी हुई है, फिर उस बाल्टी को उसने उस कुएं में डाला और अपने उस दोस्त को बाहर बहुत ताकत लगा के किसी तरह से खींच के निकाला। फिर जब वो गाँव गए अपने, तो जब किसी से बताते थे ना तो कोई विश्वास नहीं करता था, क्योंकि वो 10 साल का बच्चा था और जिसने निकाला था वो 5 से 6 साल का बच्चा था, गांव का कोई भी व्यक्ति उनकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। लेकिन उसी गांव में एक बुजुर्ग था, बुजुर्ग उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुना और कहा कि नहीं हम विश्वास करते हैं। तो बोले कि कैसे विश्वास करते हो, आपको कैसे पता हो गया कि इस बच्चे ने निकाला है, झूठ बोल रहा है ये, कहीं हमको पता है ये बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, ये सच बोल रहा है, कहीं अगर इसने इस बच्चे को निकाला है तो इसका सिर्फ एक कारण, ध्यान से समझना, इसका सिर्फ एक कारण है कि इसको कोई बताने वाला नहीं था कि आप ये काम नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना, उसे कोई विश्वास दिलाने वाला नहीं था। अगर कोई होता ना वहां पर ज्ञान देने वाला कि ए भाई अरे तू भी गिर जाएगा इस कुएं में, तू इसको मत निकाल, तो फिर वो क्या करता, वो भी बेचारा छोड़ के चला जाता और उस लड़के की जान चली जाती। तो उसे कोई हिट करने वाला नहीं था, आपको भी बताने वाले मिलेंगे, लेकिन आपको सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखना है। कई बार बोले हैं कि विश्वास हो खुद पर तो सितारे बदल जाते हैं, नजर जो बदले नजारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की भला जरूरत क्या है, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। इसी जोश के साथ चलिए आगे समझते हैं। आपको पता हो गया 2 प्रतिबिंब है, एक तो अनंत पर बनेगा, दूसरा आपका पोल और अनंत के बीच में बनेगा, 2 जगह से तीसरी जगह वस्तु आपकी नहीं रखी जाएगी। 2 ही याद करने, बहुत आसान है ये, आपकी ठीक है, 2 जगह रखी जाएगी और उसमें हमने 6 जगह बताया था, ये क्लियर हो गया। अब देखो यहां पर आपको पता है कि वस्तु जो है,
वो दर्पण के आपके सामने रखी जाएगी, इस साइड रखी जाएगी। तो ये मान लो अनंत पर कोई है, इसको हम ऐसे डायरेक्ट संरचना से प्रदर्शित कर देते हैं। अनंत पर कोई वस्तु है, मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, तो ये परावर्तित हो जाएगी, फोकस से नहीं गुजरेगी, फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। समझ लो, हमने बताया है फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी, फोकस में ये परावर्तित हो जाएगी। तो ऐसा हम क्या करते हैं, एक ऐसे सिंबल छोटा छोटा सा एक किरण मान लेते हैं कि ऐसे आ रही है, और फिर एक नीचे से भी यहाँ से हम मुख्य अक्ष के समानांतर किरण गुजारते हैं और इसका अपवर्तन दिखा देते हैं। तो जब अपवर्तन दिखाते हैं तो यही किरण यहाँ पर इस तरह मिला देते हैं, क्योंकि आपको पता है जब कोई वस्तु अनंत पर रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। क्लियर है? तो देखो फोकस पे बन रहा है, और कैसा बन रहा है, बिंदु आकार का। ये इसका आकार है, पूछता है कि उसका आकार कैसा होगा, तो आकार आपका एकदम बिंदु के आकार का होगा, एकदम छोटा होगा। क्लियर हो गया ये आपके? फिर क्या कह रहा है, प्रकृति क्या होगी, सीधा और आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा और आभासी बनेगा। उसके बाद आ जाओ दूसरे पॉइंट पे। पहला पॉइंट आपका है कि अनंत पर वस्तु रखी है तब आपका जो प्रतिबिंब है वो फोकस पर बनेगा। ये बात क्लियर हो गई, अनंत पर तो फोकस पर। दूसरी बात क्या कह रहा है, दूसरी बात कह रहा है कि यदि वस्तु अनंत और पोल के बीच में रखी है ना, तब आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और पोल के बीच में। चलिए यहां देखते, लिखा हुआ है जब वस्तु अनंत और पोल के बीच में हो तब, तब क्या होगा, कंडीशन देखिए। ये आपका यहाँ पर अनंत पे लिखा हुआ है, अनंत और पोल के बीच में रखी हुई है। यहाँ पर हमने क्या किया, वस्तु को रख दिया, क्योंकि हमारा जो ट्रिक है वो यही कहता है कि वस्तु अनंत और पोल के बीच में रखी जाएगी। तो हमने पोल और अनंत के बीच में वस्तु को रख दिया, और यहाँ पर रखने के बाद हमने एक समांतर किरण खींची और परावर्तित करा दिया। फिर क्या किया, हमने वस्तु को कहाँ, उस किरण को कहाँ भेजा, सेंटर पे भेजा, पोल पे, और परावर्तित हो गई आई और आर का कोण बना के। क्लियर हो गया, दो बातें क्लियर हो गई। अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, इस तरह से ये किरण इधर कर देंगे, और आपको पता है कि जब वस्तु अनंत और पोल के बीच में हो ना, तो प्रतिबिंब आपका फोकस और पोल के बीच में बनेगा। देखो फोकस और पोल के बीच में बनना है कि नहीं बनना, इस तरह से हम किरण मिला देंगे और फोकस और पोल के बीच में वस्तु को दिखा देंगे। आई होप। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, देखो सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा और आभासी बनेगा, और वस्तु से छोटा बनेगा। वस्तु बड़ी है और यहाँ पर प्रतिबिंब क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। क्लियर है? यहाँ पर जो वस्तु है आपकी, ये अनंत पर रखी हुई है, मतलब अनंत और पोल के बीच में रखी हुई है। अनंत और पोल के बीच में जब रखी है तब उसका प्रतिबिंब जो है वो आपका फोकस और पोल के बीच में बनेगा। यहाँ पर देखो ट्रिक है, जब अनंत और पोल के बीच में वस्तु रखी हो तब उसका प्रतिबिंब फोकस, देखो दो नंबर यहाँ पे, दो नंबर यहाँ पे, इसका मतलब फोकस और पोल के बीच में आपका जो प्रतिबिंब है वो बनेगा। और कैसा बनेगा, सीधा और आभासी बनेगा, सीधा और आभासी बनेगा, और वस्तु से छोटा बनेगा। ये देखो आपकी ये वस्तु रखी हुई है और ये आपका प्रतिबिंब है, तो ये आपको इस वस्तु से छोटी दिख रही नहीं दिख रही, तो इसका मतलब है कि वस्तु छोटा बनेगा। ये जो वस्तु छोटी है ना, ये इसका आकार है, ये क्या है, इसका आकार है। और ये आपकी प्रकृति है, क्या है, प्रकृति होती है। प्रकृति कैसी होती है, सीधा और आभासी बनेगा। और यहां पर भी प्रकृति क्या है, सीधा और आभासी। जितने भी उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो आपके सीधा और आभासी ही बनते हैं। और अवतल दर्पण में क्या था, प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा था, क्या बन रहा था, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो बनने वाले प्रतिबिंब है वो आपको क्लियर हो गए हैं। कल हम सीखेंगे कि उत्तल और अवतल दर्पण के द्वारा किस प्रकार हम फार्मूला तैयार करते हैं, और किस तरह से उस फार्मूले के द्वारा हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। इन सारी बातों को कल के वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।